सब लोग मस्त थे यहाँ पे एंजॉय करते हुए। तो भाई यहाँ पे ट्राई करते हैं वीड, आपको वीड भी मिलता है यहाँ पे, वीड लीगल है यहाँ पे, बिच्छू भी है खाने के लिए। बैक टू द न्यू ब्लॉग, मैं शांतनु और आप देख रहे हैं क्लासिक मऊ के ब्लॉग्स। आज है डेट 20 और समय हो रहा है 8:40। अभी हम लोगों का शेयर ट्रांसफ़र है, उसका हम वेट कर रहे हैं। 8:30 पे आना था जो फेरी है, मतलब फेरी के लिए हमें जाना है, वो शेयर ट्रांसफ़र से, तो अभी वो आया नहीं है, तो यहीं पे लॉबी में बैठ के वेट करा जा रहा है। और जैसे ही ट्रांसफ़र आता है वो हमें ले जाएगा फेरी पे। फेरी हमें फिफी आइलैंड के थ्रू, वहाँ पे हमारा 3.5 घंटे का ऑलमोस्ट स्टे है, और उसके बाद हमें ले जाएगी हमारे नेक्स्ट होटल पे। आइए हमें पिकअप के लिए, और इसी में लगे जगह चलते जाएंगे, देखते हैं अंदर और लोग हैं कि नहीं। गाइस अभी गाड़ी में बैठ गए हैं, अब यहाँ से जा रहे हैं सीधा फेरी के लिए। 10 मिनट का रास्ता है, उसके बाद से वहाँ फेरी लेंगे और हम लोग जाएंगे सीधा फिफी। और शेयर ट्रांसफ़र है, काफ़ी सारे लोग हैं साथ में, रिशा आगे बैठी हुई है और मैं पीछे। क्या है रिशा, अभी हम लोग आ चुके हैं ऑन बोर्ड होने के लिए बोट पे, और यहाँ पे हमने टिकट लिया है और हमारा शेयर ट्रांसफ़र है इस बोट से। भाई अच्छा एक्साइटेड फॉर द बोट। और ये हमारा पूरा लगेज, ये हम वहाँ पे जाके फिफी पे इससे बात करिए कि वहीं पे लॉकर रूम टाइप का है उस पर रखवा देंगे, इससे हमें लेके ना घूमना पड़े और चोरी ना हो जाए। तो कल हमें एक बार ऐसा लगा था कि हमारा सामान चोरी हो गया है, बट हमें मिल गया था। हम लोग आए अभी बोट के एकदम टॉप पे, रूफ पे, और मस्त लग रहा है, टाइटैनिक वाली फीलिंग आ रही है एकदम। हाँ, कहना नहीं चाहिए बट भाई पिक्चर याद आ रही है बस। और व्यू देखो भाई यहाँ से, अभी बोट स्टार्ट नहीं हुई है, चल नहीं रही है। फाइनली गाइस सफर स्टार्ट हो चुका है और भाई अमेजिंग है, मैं मतलब लग रहा है कि भाई मंजर से ज़्यादा सफर है। इतने प्यारे प्यारे आइलैंड दिख रहे हैं, और ये देखो भाई क्या सुंदर व्यू आ रहा है, और हम लोगों को भी मजा आ रहा है। बस में मतलब फेरी में बैठने का मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते यार, इतना सुंदर दिख रहा है ना सब, जैसे आइलैंड दिख रहे हैं अगल बगल में, बहुत बहुत सुंदर है। ये देखो पीछे देख सकते हो, हम लोग पहुंच गए हैं फिफी आइलैंड और बोट के इंजन हो गए बंद, अब सीधा आइलैंड पर जाएंगे। 3.5 घंटा मज़े से एंजॉय करने वाले हैं। और ये देखो इधर बोट यहाँ पे लगेगी, तो बस अभी जाएंगे, अपना लगेज नीचे से लेना है और सीधा जाएंगे फिफी पे, वहाँ पे बात करेंगे, अपना लगेज वहीं पर ही रख देंगे।
तो फाइनली आ चुके हैं फिफी आइलैंड और यहाँ पे हम लोगों ने खरीद लिया स्नॉर्कलिंग मास्क। 300 बात का मिला, 350 बताया था, थोड़ा बार्गेन करा और रेट सेट हो मतलब करा के 300 बात में ले लिया। और यहाँ पे भाई देखो वीड, आपको वीड भी मिलता है यहाँ पे, वीड लीगल है, अलग अलग तरीके की वीड है, 100% करके कुछ है, मेरे को इतना कुछ आइडिया है नहीं इसके बारे में। सारी चीज़ें एक दिखे यहाँ से, बुकिंग करा सकते हो। और आगे दिखाता हूँ मैं यहाँ पे मैकडी और बर्गर किंग, मतलब वेजिटेरियंस के लिए ये कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे इस मार्केट में। ये यहाँ पे बीट्स को सर्व भी कर रहे हैं, ये अपना मैकडी बर्गर किंग और इधर पिज्ज़ा है, फ्रूट शॉप है। ये पिज्ज़ा के कुछ ऑप्शंस, इवन कैनेबी पिज्ज़ा भी है वहाँ पे, वो देखो कैनेबी पिज्ज़ा। और द बीच पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं हम लोग फिफी आइलैंड पे, यहाँ पे करेंगे स्नॉर्कलिंग और स्विमिंग। 2 घंटे हैं हमारे पास जिसमें हमें स्नॉर्कलिंग करनी है, स्विमिंग करनी है और कुछ खाना भी है हमें। फिर उसके बाद एक बोट हमारे रिजॉर्ट तक ले जाएगी। और बाकी भाई देखो यहाँ पे सब लोग मस्त थे यहाँ पे एंजॉय करते हुए। काफ़ी दूर तक शैलो पानी है तो आराम से जा सकते हैं उसमें। और यहीं से दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए भी बोट की बुकिंग हो रही है। बाकी बहुत ह्यूमिड है टेम्परेचर यहाँ पे और पूरे पसीने आ रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे फिफी आइलैंड पे ऐसी शॉप्स भी हैं जहाँ पे आप जाके अपने लिए सोविनियर ले जा सकते हैं जिससे आप बाद में याद कर सके उसको देख के। तो ये देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, मैग्नेट्स हैं सारे, ऊनो के कार्ड शॉर्ट्स भी हैं अगर आपको खेलने हैं, अलग अलग तरीके के मैग्नेट्स, की रिंग्स और ये बहुत प्यारे से अगरबत्ती लगाने वाले भी स्टैंड हैं। इसमें छोटे छोटे हाथी बने हुए हैं, हाथी इसलिए क्योंकि यहाँ पे हाथी की बहुत मान्यता है, पूजा करी जाती है यहाँ पे। ये भी है ड्रीम कैचर। ओह ये देखिए बॉटल ओपनर बहुत प्यारा सा, 120 बात। रेट ठीक है ना, बहुत एक्सपेंसिव होगा ना बहुत सस्ता। और इधर पे ये रिक्शा बहुत प्यारे ऐसे रिक्शे यहाँ पे चलते हैं टैक्सी में, तो आप ये भी ले जा सकते हो। और ये कुंब और कटलरी का भी बहुत प्यारा सा कलेक्शन है यहाँ पे, बुद्धा जी की भी मूर्ति है, काफ़ी ऐसी पेंटिंग्स भी मिल जाएंगी और इवन जिनको स्टिकर्स के फॉर्म में चाहिए ये स्टिकर्स भी हैं, ये इयररिंग्स टाइप के भी हैं यहाँ पे, काफ़ी सारा कलेक्शन है और काफ़ी डेकोरेटेड पूरी शॉप। टैनिंग हम लोगों की ज़बरदस्त हुई है, देख के ही पता लग रहा होगा फर्स्ट ब्लॉग से अभी तक में। तो गाइस हम लोगों ने अंडमान द्वीप काउंटर से बोट ले ली है और ये हमें ले जाएगी फुकेट में, हम वहाँ से जाएंगे अपने ओपोड होटल। और हमने यहाँ पे ये खाना लिया है, वेज में मिला है हमें ये खाना, स्प्रिंग रोल है और पिज़्ज़ा है भाई, मार्गरेटा पिज़्ज़ा। तो हमें इसके लिए टोटल पे करने पड़े थे पिज़्ज़ा के लिए 250 बाहर एंड 100 बाहर और स्प्रिंग रोल 350 इन टोटल। बाकी आप होटल चलते हैं, होटल का रूम देखते हैं। और ये है ओकवुड जर्नी हब, वहाँ से फिफी से 3-3.5 घंटा लगा, फिर एक ऑलमोस्ट 1 घंटा और लगा यहाँ आने के लिए। बट भाई होटल ज़बरदस्त, ये देखो रूम इधर और ये वॉशरूम और इधर मिरर, ये लगेज एरिया और ये रहा पूरा रूम, बहुत मतलब प्यारा रूम है, ब्यूटीफुल डेकोरेशन ये पूरा रूम। आया हुआ ओकवुड होटल के 8th फ्लोर पे जहाँ पे है इसका स्विमिंग पूल और बार, पीछे आवाज़ आप सुन ही रहोगे, पूरा बार की आवाज़ आ रही है, मस्त एटमॉस्फेयर हो रखा है, लाइटिंग अमेजिंग है। और मैं एक व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, ये रहा पूल, पूरी लाइटिंग है, इधर बैठने का है पूरा,
ये पूरा बार एरिया है और सब बैठ के अपने ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं। निष्ठा रेडी है घूमने जाने के लिए। और यहाँ से व्यू देखो भाई, 8th फ्लोर से व्यू, पूरे वैली दिख रही है, सारे बड़े बड़े होटल हैं इधर की तरफ। पूल की टाइमिंग यहाँ पे सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ही है। यहाँ पे बैठ के ड्रिंक्स एंजॉय करने के लिए, खाना पीना एंजॉय करने के लिए पूरा है। अंदर भी इवन बैठ सकते हो आप। और इधर जिम एरिया है पूरा, और ये बाकी लॉबी है। जो मैंने नोटिस करी यहाँ पे मोस्टली कैट दिखती हैं आपको हर जगह पे, डॉग बहुत कम दिखते हैं, पता नहीं क्या रीज़न है, बट यहाँ कैट बहुत पाली जाती है। मतलब नॉर्मली रोड पे सोती हुई मिल जाएंगी। और ये देखें आप, होटल में भी ऐसे मस्त घूमती हैं एकदम पूरी फ्रीडम से, इस पटोंग बीच रात के समय में। तो भाई ये है पटोंग वॉक स्ट्रीट।